Hey everyone, good morning. This is Paulami and welcome to my channel Bifocal Zindagi. आज संडे की सुबह है और अभी मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा गोभी, शिमला मिर्च ये सब डाल के, और साथ में प्लेन पराठा बनाऊँगी। आज का ब्रेकफास्ट यही है, तो प्लान है ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद निकलना है, घूमने जाना है थोड़ा। देखते हैं, अगर वेदर साथ दिया तो हम लोग शायद निकलेंगे। क्या करें, संडे का दिन है, थोड़ा घूम फिर के आते हैं तो अच्छा भी लगेगा और आपके साथ एक अच्छा ब्लॉग भी शेयर हो पाएगा। हे गाइस, तो अभी प्लान बन चुका है और हम दोनों अभी निकल रहे हैं। 11:30 बज गया है। मोनोजीत तो चिल्ला रहा है कि मैंने लेट कर दिया, लेकिन क्या करूँ, घर का बाकी काम करके नहा के थोड़ा तो रेडी होना पड़ता है। वैसे भी मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया है, इतना गर्मी है, लेकिन इसका तो है ना। तो बस अभी मेकअप मैंने क्या किया नहीं, इसका तो 2 मिनट में हो जाता है और उसके बाद चिल्लाता रहता है कि मैं लेट कर रही हूँ। तो अभी आपसे बात जैसे किया था कि हम लोग अगर घर में रहेंगे तो भी शेयर करेंगे और अगर बाहर जाएंगे तो भी शेयर करेंगे, तो अभी हम लोग देखते हैं, एक अलग ही बीच में जाते हैं जो इधर से काफ़ी दूर है, तो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं क्या है। और अच्छा दिन है वैसे तो मज़ा ही आएगा, चलिए चलते हैं। बहुत बहुत ही मतलब प्लेजेंट वेदर हो गया है, बाहर एकदम गर्मी नहीं है, बारिश तो आएगा ही, पर देन मज़ा तो ऐसे ही लेना है और क्या। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और बैठ गए हैं ट्रेन पे, मुंबई का लाइफलाइन, और साथ में यहाँ पे लिया है भेलपूरी। ट्रेन जर्नी में कुछ स्नैक्स वगैरह खा के जाने में ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। पहुंच गए हैं हम लोग पालगढ़। आज हम लोग पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट आए हैं और यहाँ पे पालगढ़ स्टेशन से हमने ऑटो लिया है, तो ऑटो लेके अभी जा रहे हैं हम लोग केलवे बीच बोल के एक बीच है, वहाँ जा रहे हैं। बहुत सुंदर है, मनोजीत बोल रहा था, बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं घूमने भी नहीं निकले, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप मारा जाए, मतलब एक दिन का ही, लेकिन थोड़ा दूर जाया जाए। एक तो मॉनसून का मौसम है, दूसरे तरफ चारों ओर हरियाली, और इतना अच्छा ये रोड जर्नी लग रहा है ना, लग रहा है जैसे हम लोग गोवा पहुंच गए हैं, वैसा वाला फीलिंग्स आ रहा है। बीच के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन बीच जाने से पहले यहाँ पे सामने ही एक शीतला माता का मंदिर है, तो सोचा पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है, ये देखिए शीतला माता की मूर्ति, और साथ में गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी का भी मूर्ति यहाँ पे है, तो सबसे हम लोग ब्लेसिंग ले लेते हैं और थोड़ा आपके साथ भी घूम के शेयर कर दिया कि ये मंदिर कैसा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये है मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा डेकोरेशन करके रखा हुआ है, और सामने एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे फिश और टर्टल्स है, ये देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है, और एक फाउंटेन भी है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग आज आए हैं पालगढ़। पालगढ़ में केलवे बीच बोल के एक बीच है, वहाँ पे आए हैं घूमने, तो बीच के सामने ही शीतला माता का मंदिर है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा, ये सर लेके आए हैं, बहुत अच्छा है। इनको तो मतलब मैं तो बहुत सालों से हूँ मुंबई पे, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया, तो सोचा इनको भी थोड़ा दिखा दूँ। आज इधर 2 साल पहले आया था मैं, तो अभी 2 साल बाद आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये आउटिंग, तो पहले ये मंदिर घूमे, बहुत अच्छा लगा, और
जो भी देखा आपके साथ तो शेयर किया ही। अभी चलते हैं बीच के ओर, मंदिर से निकलते ही सीधा जाएंगे तो बीच है सामने, तो चलिए देखते हैं बीच में क्या खूबसूरत आज वेदर है बहुत, तो होप एंजॉय करेंगे। मंदिर से निकल के थोड़े सामने आते ही ये गेट है और इसके अंदर ही है बीच जाने का रोड। ये रोड बीच में सीधा जाता है और दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स लगे हुए हैं। बीच बहुत अच्छा लगा मुझे, और चलिए चलते हैं सामने समुद्र की ओर। कैसा लग रहा है आके? बहुत खूबसूरत है, और आज ना मौसम इतना अच्छा है ना कि इस टाइम पे ना धूप है ना कुछ, हवा चल रहा है बहुत अच्छा, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बीच। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या करें, अभी बीच तो आप लोगों को दिखाया, समुंदर भी दिखाया, अभी थोड़ी देर हम लोग अपने तरीके से थोड़ा स्पेन करते हैं, घूमते हैं, और पानी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है तो। हाँ, बहुत वेदर भी पूरा आज लग रहा है कि तूफान वगैरह आएगा, और वही है, मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि इतना धूप नहीं है आज, बहुत प्लेजेंट भी लग रहा है। और देखते हैं अभी अभी कुछ आपको शेयर करेंगे क्या क्या कर रहे हैं उसके बाद। चलिए, देर तक थे यहाँ पे और अभी निकल जाते हैं, है ना? हाँ वही है, सोच भूख भी लग रहा है, कुछ अगर मिलता है तो खाते हैं, खा के निकलते हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पे थे, भीगना नहीं चाहते इसलिए और अंदर नहीं जा रहे, समुंदर के साइड साइड ही है, और हवा देखिए कितना अच्छा चल रहा है। सो टुडे वी आर एंजॉइंग अ लॉट, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और देखते हैं अभी खाना वाना कुछ खाते हैं, सी साइड क्या खाना मिलता है देखते हैं। बीच से निकलते ही यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, तो एक रेस्टोरेंट में हम दोनों जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे फ़िश थाली, चिकन थाली बहुत कुछ मिल रहा था, तो हम लोग चिकन थाली ऑर्डर कर रहे हैं, और बाहर बैठने का भी जगह है, तो ये देखिए चिकन थाली आ गया, और खाना बहुत ही अच्छा था, एकदम घरेलू घर पर बना हुआ जो होता है ना वैसा वाला, बहुत ही टेस्टी। हो गया और अभी निकल गए हैं, अभी चलते हैं घर, बारिश भी आ गया है। स्टेशन आ गए हैं और बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है अभी, बहुत ही ज्यादा, तो अभी ट्रेन लेंगे, पालगढ़ स्टेशन में है, उसके बाद घर जाएंगे, विराट जाना है, उसके बाद वहाँ से फिर से ट्रेन चेंज करना है, तो चलिए अभी घर जाके आपसे मिलते हैं। तो फाइनली ट्रेन ले लिया है हम लोगों ने, और अभी है घर वापस जाने का टाइम,
तो चलिए इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।